जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अध्ययन करेंगे क्लास जो टेंथ में हम लोग साइंस का अनसॉल्व कर रहे हैं, अग्रवाल का अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग सेट थ्री का बीएल कर रहे हैं। बीएल का पार्ट थ्री में आज हम लोग जो है जीव विज्ञान को करेंगे। जीव विज्ञान में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पास क्या पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि नौका का मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। आपको पता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तेईस जोड़े होते हैं, मतलब टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो आप लोगों का पहला आंसर यानी नौ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नौ का आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा 46। इसके बाद निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र, मादा का मतलब होता है स्त्री, तो आपको पता बता दे अंडाशय, अंडाशय स्त्रियों में होती है, गर्भाशय भी स्त्रियों में ही पाए जाते हैं, शुक्रवाहिका ये पुरुष में पाए जाते हैं, और डिम्बवाहिनी जो जहाँ अंडाशय है वहाँ डिम्बवाहिनी भी होती है। तो ये सभी जो अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी, ये तीनों चीज तो स्त्रियों में पाए जाते हैं, ये शुक्रवाहिका ये पुरुषों में पाए जाते हैं, जहाँ से शुक्राणु का श्रवण होता है, शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु जानते हम लोग जो श्वेत पदार्थ निकलते हैं हम लोगों के मूत्र मार्ग से, उसे हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तो नौ का खा का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपके पास, नौ का खा का तीसरा आंसर सही हो जाएगा शुक्रवाहिका, ठीक है शुक्रवाहिका। इसके बाद निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है, शुद्ध गोल, आपको बता दें गोल को हम लोगों ने अंग्रेजी के वर्ड आर से रिलेट किया था रोल के अनुसार। तो निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल वाले बीज को, तो स्मॉल टी छोटा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो शुद्ध नहीं, ये संकर है, लेकिन गोल लंबा है। इसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी ये नहीं है, तो कैपिटल आर ये सही है। तो आप लोग कहोगे नौ का गा का चौथा सही है, कैपिटल आर। पादपों में जाइलम का कार होता है, आपको पता है जल का संवहन करना किसका कार होता है, जाइलम का कार होता है, तो जाइलम का कार है जल का संवहन करना, अर्थात आपका घा नंबर नौ का घा नंबर का कौन सही हो जाएगा, दूसरा जल का संवहन करना, ठीक। इसके बाद उत्तर दस का मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, देखो उत्तर दस का तो अब होगा उत्तर दस का आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर आंसर को हम समझा देते हैं, देख लिया ना आंसर को पूरी स्क्रीन पर। देखो मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, मेंडल ने अपने वंशागति, आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये आनुवंशिकता के जनक है, है कि नहीं, और इन्होंने प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का वंशागत प्रभावी और अप्रभावी के नियम को उन्होंने किस प्रकार बताया, जब मेंडल ने प्रयोग के दौरान जो उन्होंने प्रभावी लक्षण पाए उसको उन्होंने प्रभावी लक्षण नाम दिया, जो अप्रभावी पाए वो अप्रभावी नाम दिया, अर्थात मेंडल ने जब सफेद और बैगनी पुष्प के बारे में बताया तो उन्होंने प्रैक्टिकल के दौरान ये देखा जो प्रथम पीढ़ी में पाए उन्होंने तो वो प्रभावी थे, और जो स्वयं के लक्षण को उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया वो अप्रभावी थे, मतलब बैगनी और सफेद पुष्प का संकरण कराने के बाद जो प्रथम पीढ़ी में पुष्प उत्पन्न हुए वो बैगनी जो कि वो प्रभावी थे, और जो द्वितीय पीढ़ी में पुष्प पौधे और पुष्प उत्पन्न हुए जो कि सफेद थे, सफेद मतलब वो संकर थे, वो शुद्ध नहीं थे, और उसको उन्होंने नाम दिया अप्रभावी, मतलब जो स्वयं के लक्षण को प्रदर्शित करे वो प्रभावी और जो स्वयं के लक्षण को प्रदर्शित ना करे वो अप्रभावी, सिंपल फंडा। इसके बाद इसमें आपको हेडिंग डाल के लिखना है, हेडिंग क्या डालोगे, प्रभावी लक्षण जो स्वयं के लक्षण को प्रदर्शित करे, फिर लिखना है आपको अप्रभावी लक्षण जो स्वयं के लक्षण को प्रदर्शित ना करे, ठीक। इसके बाद भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, तो आपको पता दे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, आप लोग लिखोगे उत्तर दस का खा। देखो भोजन की भूमिका में
यानी भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। आपको बता दे, आपको बता दे कि लार में हमारे पास टालुइन एंजाइम पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसकी प्रीवियस वीडियो में भी ये पूछा गया था, तो हमने टालुइन की जगह सलाइवरी एमाइलेज का नाम लिया था। तो आप लोगों का कमेंट भी आया था, सारी सलाइवरी नहीं है, टालुइन है। तो आपको अच्छी बता दे, जो सलाइवरी एमाइलेज है उसी का ही नाम टालुइन है। ठीक, स्टार्च को माल्टोस शर्करा में बदलने का कार्य टालुइन एंजाइम ही करता है। टालुइन एंजाइम स्टार्च को, जिसे हम लोग भोजन को चबाते हैं, चबा के ले जैसा बनाते हैं, उसके चारों ओर जो लार ग्रंथियां चिपक जाती है और भोजन को एकदम गोल बना देती है और जिसके निगलने में सहायता आती है, ये टालुइन एंजाइम का कार्य है। इसके अलावा जो भोजन का पाचन क्रिया के दौरान भोजन को स्टार्च से माल्टोस अर्थात ग्लूकोज के रूप में बदलना होता है, ये भी टालुइन एंजाइम का कार्य ही होता है। इसके बाद दसवें का गा में हमसे पूछा गया, पौधों में बातर रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आंसर तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहे हो, सभी का आंसर स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो पौधों में बातर रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। दसवें का गा, तो बातर रंध्र किसे कहते हैं, जैसे पौधों में पत्तियां होती है ना, इस प्रकार से जैसे मान लो पौधों में पत्तियां होती है, ठीक, इन पत्तियों में छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग शुरुआत में जब ये हरी होती है पत्तियां उस समय तो देख नहीं पाते, तो इसे कहते हैं रंध्र, इसे कहते हैं रंध्र। और इससे से बातर मतलब बातो सर्जन होता है, पौधे श्वसन क्रिया भी करते हैं, इसको कहते हैं बातर यानी हवा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो जिस जहां से करते हैं उसे कहते हैं वातर रंध्र। तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसे कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा। तो इन्होंने कहा वातर रंध्र की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो वातर रंध्र, आपको बता दें वातर रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। नंबर एक, वातर रंध्र द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे कि पौधे जल का उत्सर्जन करते हैं, पौधे जो जल का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद वातर रंध्र द्वारा गैस विनिमय होता है। वातर रंध्र द्वारा क्या होता है, गैस विनिमय। गैस विनिमय का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, ऑक्सीजन छोड़ना, ये होता है गैस विनिमय। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण द्वारा श्वसन क्रिया भी यही लोग इसी वातर रंध्र से ही करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण द्वारा समझाइए। समजात और समरूप अंग, सभी आंसर आपको दिखा दिए जाएंगे स्क्रीन पर, सभी आंसर। ठीक, तो देखो आप लोग लिखोगे उत्तर 11 का का, उत्तर 11 का का, 11 के का में कह रहा है समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात और समरूप, समजात अंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सम माने बराबर, जात माने जात, जिसके जात बराबर हो, जात बराबर हो मतलब इसके जो अंग है अंगों का रूप एक जैसा हो, इन काम अलग अलग हो, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे आपको बता दें मनुष्य के हाथ और कुत्ते के अग्रपाद बनावट में एक जैसी है, काम अलग अलग है, इसे समजात अंग कहते हैं। इसका समरूप, समरूप, सम माने बराबर, रूप माने उसकी जो आकृति जो है, मतलब समझना इसकी जो आकृति है वो अलग अलग हो, बनावट अलग अलग हो, काम एक जैसे हो। अगर देखने में एक जैसी हो और उसके काम अलग अलग हो तो वो समजात, और देखने में अगर आप लोगों का अलग अलग हो, काम एक जैसा हो, उसे समरूप। जैसे तितली के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों उड़ने के काम आते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं समरूप अंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का, अगर ये नहीं करना है आपको एग्जाम में तो इसका अथवा करना है। अथवा में कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसी क्रिया विधि को समझाइए, आंसर आपको मिलेगा। आपको बता दें कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम जो होता है, आपको बता दें जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। जैसे आपको पौधे होते हैं ना, जैसे पौधे होते हैं, पौधे की होती है जड़ें, ठीक, ये होती है पौधों की जड़ें और ये पौधे हो गए, ठीक। अब पौधों में क्या होता है कि इन पौधों की जड़ें, जो एक तो मूल जड़, दूर से जल का संवहन करना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है जाइलम।
जो जाइलम होते जाइलम एंजाइम है बहुत दूर से जल को जड़ों तक लाना, ये जाइलम का काम होता है। ठीक है, तो पौधों में जल का संवहन कौन करता है, आंसर भी देख लीजिए। तो पौधों में जल का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। इसी क्रिया विधि को समझाइए, इसकी क्रिया विधियों को आपको बता दें कि पौधों के भूमि में क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं, सब भूमि में पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं। उस भूमि में पौधों की जड़ें होती है, जड़ें एक होता है मूसला जड़, यानी मूल जड़, बहुत गहराई तक पहुंचती हो। जाइलम क्या करता है कि बहुत दूर से जल को अवशोषित करके इस जड़ों तक लाने का कार्य करता है। जड़ों से फिर फ्लोएम का काम होता है कि पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और विभिन्न भागों से फिर पौधे उत्सर्जन क्रिया द्वारा इस जल को फिर निकाल देते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वाष्पोत्सर्जन क्रिया। वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो कि इस विधि में इस स्टोमेटा इस रंध्र द्वारा होते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया। तो समझ में आ गया ना कैसे क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, हृदय क्या है संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। हृदय परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। आखिर परिसंचरण तंत्र क्या है, जो ब्लड होते हैं रक्त होते हैं उसको संचरण करवाना, उसको पूरे हमारे शरीर पूरे बॉडी में उसको चलाना चलवाना, ये काम होता है हृदय। हृदय हमेशा पंपिंग करता रहता है, इस प्रकार पंपिंग पंपिंग का मतलब होता है प्रेशर देना, वो प्रेशर देता रहता है, रक्त को झटके से आगे की ओर बढ़ाता है। और यही ब्लड जो है, यही रक्त जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में इसका सर्कुलेशन होता है, ये काम होता है हृदय। तो हृदय परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में रक्त जैसे शरीर में जो भी रक्त है, तो ये शरीर में रक्त का परिसंचरण कर काम करना परिसंचरण करवाना ये किसका काम है, हृदय का ही काम है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा हृदय जो है वो किसकी भांति कार्य करता है, एक पंप के रूप में कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का खाका अथवा परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी है, इसका भी आंसर पहले देख लो। किसका आंसर, हृदय में तो देख लिया है, इसका भी आंसर देख लो। परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी है, अब देखो परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी होती है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी बताना आपको। तो आप लोग देखो 11 का खाका अथवा तब लिखोगे 11 का खाका, उत्तर डाल देना आप लोग अथवा। आप लोग लिखोगे हेडिंग परिवार नियोजन की स्थाई विधिया, क्या लिखोगे, परिवार नियोजन की स्थाई विधिया। दो विधियों के बारे में इन्होंने पूछा है ना, हाँ दो विधियों के बारे में पूछा है। तो दो विधि, एक हम लोग लिखेंगे बैसेक्टॉमी, एक विधि है बैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी। अब इस दोनों विधियों के बारे में आपको अच्छे से बता दें। बैसेक्टॉमी क्या है, बैसेक्टॉमी पुरुषों का ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पुरुषों के जो शुक्राणु शुक्रनलिका होते हैं, जहां से हम लोगों का मूत्र मार्ग है, मूत्र विसर्जन करते हैं, वहां से एक श्वेत पदार्थ सा गाढ़ा पदार्थ भी स्रवित होता है, जिससे जहां से स्रवित होता है उसे हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। तो ये पुरुषों में होता है, ठीक है, पुरुषों में शुक्रवाहिका को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु का स्रवण नहीं होता, शुक्राणु बाहर नहीं निकलते हैं, और गर्भ निर्धारण का भय नहीं रहता है। यह एक स्थायी विधिया है। पढ़ते ना पढ़ चुके थे नलबंदी नजबंदी, उसी का नाम ही है बैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, बैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी, पुरुष ऑपरेशन महिला ऑपरेशन। इसमें पुरुष के शुक्राणु शुक्रनलिका को काट कर बांध दिया जाता है, और इसमें स्त्रियों के जो अंड नलिका होती है, कौन सी नलिका, अंड नलिका यानी डिम्बवाहिनी, उसको काट कर बांध दिया जाता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं शल्य चिकित्सा, सभी कहते हैं, ठीक है, यानी हम लोग कहेंगे कि इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता रहता है, ऐसा होता है। जो हम बता दें आपको कि सिंपल फंडा है इसका, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, कि जो महिलाओं के लिए ये बहुत बढ़िया विधि है। इसमें क्या करता है कि फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है, महिलाओं में एक जहाँ से अंडाणु मोचित होते ना उसमें होती फैलोपियन नलिका,
तो फैलोपियन नलिका को काट कर बांध दिया जाता है और जिससे कि आपका क्या होता है कि गर्भ निर्धारण का डर नहीं रहता है, भय नहीं रहता है। तो ये दो विधियाँ स्थायी विधियाँ हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता दी कि अंडाणुओं का निर्माण बार बार होता रहता है इसमें वैसेक्टोमी में, अंडाणुओं का निर्माण, स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण बार बार, ऐसा नहीं कि जो मासिक चक्र है वो रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। मासिक चक्र रजो धर्म जो है वो महीनों में होता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। जैव विकास किसे कहते हैं? आपको बता दें कि जीवन में होने वाले परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जैव का मतलब क्या होता है? जीवन। जैव का मतलब क्या होता है? जीवन। फिर से एक बार समझो आप लोग कि उन्होंने क्या कहा है कि जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। जैव विकास क्या है? जीवन में होने वाले परिवर्तन को हम लोग जैव विकास कहते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विकास। जो छोटी छोटी भिन्नता होती है, जैसे हमारे पूर्वज कुछ और थे और हम कुछ और हैं, हो सकता है कि हमारे पूर्वज ने बहुत संघर्ष किए हैं, संघर्ष करके आज इस मुकाम में पहुंचे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो ये यूट्यूब नहीं था, पहले क्या ये यूट्यूब था? ये भी तो एक आप लोग कह सकते हैं कि जीवन में होने वाली परिवर्तन है, ये भी तो नया परिवर्तन आया है। ऐसे बहुत से परिवर्तन हैं आपके जीवन में हुए होंगे, अन्य जीवन में हुए होंगे, जीव जंतु में हुए होंगे। तो ये सब जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तन को हम लोग क्या नाम देते हैं? जैव विकास। जीवन में जो भी उन्नतियाँ होती है उसे हम लोग विकास का नाम देते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, मानव पाचन तंत्र का नामक चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मानव पाचन तंत्र, ये है आपका मानव पाचन तंत्र, देखा ना। सबसे पहले आपको पता था मानव पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख, मुख गुहा, मुख से, मुख दो होठों से घिरा होता ना। उसके बाद क्या होती है? दांत। दांत कितने प्रकार होते हैं? आपको चार प्रकार होते हैं, आपको जानते हो, रजनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ये सब क्या है? चार प्रकार के दांत है, ठीक है। इसके बाद आपको पता, दांत के बाद हमारे पास क्या होती है? घंटीनुमा, घंटीनुमा। उसके बाद आपके पास क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय के बाद यकृत। यकृत के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, मला, मलद्वार से बाहर भोजन। ये भोजन के क्या है? पाचन तंत्र है। तो सबसे पहले पाचन क्रिया हमारे मुख से स्टार्ट होती है, दो होठों से घिरा मुख। मुख का काम क्या आता है? होठ क्या काम आता है? मुख को घेरना, मुख को बंद रखना, घेरना नहीं बंद रखना। जब भोजन को अंदर डालते हैं तो उसके बाद होती है दांत। दांतों का काम क्या है? कुतरना, पीसना, चबाना। कुतरना, पीसना, चबाना, ये दांतों का काम है। इसके बाद जीभ है। जीभ का काम क्या है? भोजन को उलट पलट करना। इसके बाद आपको बता दें कि ग्रसनी, जो घंटीनुमा होती है, ग्रसनी, ग्रसनी का काम क्या होता है? वहाँ पर एक टालोनी एंजाइम भी है। टालोनी एंजाइम का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोस बदलना, ग्लूकोज बदलना, शर्कराएं बदलना, ये टालोनी एंजाइम का काम हो गया। फिर उसमें लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियों से भोजन एकदम ले जैसा बन जाता है। फिर ग्रास नली की सहायता से हम लोग भोजन को निगल जाते हैं, ग्रास नली की सहायता से निगलते हैं। निगलने के बाद वो भोजन कहाँ पहुँचता है? वो भोजन आपके पास आमाशय पहुंचता है। आमाशय से कहाँ होता है? वो आ जाता है वो, फिर अग्नाशय पहुंचता है। अग्नाशय की एक बात बता दी कि वहाँ पर भोजन छारी बनता है। आमाशय में पेप्सिन अम्ल है उसका वहाँ पर निर्माण हो जाता है आमाशय में। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है? भोजन पहुंच जाता है हमारा अग्नाशय में। अग्नाशय में वहाँ पर भोजन छारी होता है। अग्नि मतलब आग, आग का काम है भोजन को जलाना। वहाँ पर भोजन का पाचन क्रिया स्टार्टिंग, वहीं से स्टार्टिंग भोजन का पाचन क्रिया, बड़े स्पीड से स्टार्टिंग, ठीक है। जब हम लोग भूख का महसूस करते हैं ना तो हमारे अग्नाशय जो है ना वो जलन महसूस करवाती है हमसे। इसके बाद आपको बता दें कि अग्नाशय से होता हुआ फिर भोजन कहाँ पहुँचता है आपके पास? भोजन पहुँच जाता है आपके पास छोटी आंत। लगभग छोटी आंत भोजन 6 घंटे तक रह सकता है वहाँ पर। छोटी आंत से भोजन कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन का कुछ समय रहकर फिर हम लोगों को भोजन बाहर निकलने की फीलिंग आती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं, हमारा बॉडी क्या करता है कि वो भोजन जो है, उस भोजन को, वो जो पचे हुए भोजन है, पचे भोजन को मला तक, मल तक पहुँचा देता है। मल से गुदा, गुदा से गुदा द्वार, फिर बाहर भोजन। इस प्रकार से पाचन क्रिया होता है, ठीक। तो ख़त्म आप लोगों का ना सेट 3 का लास्ट पार्ट ख़त्म। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेट में, तब तक रहिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो पूछते रहिए, हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए।